नमस्कार है, वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूवर्स। बहुत बहुत स्वागत है आप तमाम दर्शकों का आपके अपने खास कार्यक्रम बिहार बिहार में। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और आज पूरा दिन हमें बहुत सारा काम करना है, बहुत कुछ करना है खुद के लिए और कहते हैं ना कि खुद से जुड़े लोगों के लिए। तो क्या है कि जब हम सुबह उठते हैं और काम करते हैं तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती ही हमें हैं, हमें फेस करना पड़ता है। सुबह के वक्त बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज, जैसे ही मैं सुबह उठी मेरे मोबाइल फ़ोन पे बीप की आवाज़ आई, बहुत ही खूबसूरत सा मैसेज आया। वो संदेश आपके साथ साझा करना चाहूँगी क्योंकि वो वाकई में वो मैसेज इंस्पिरेशनल है। उसमें लिखा ये है कि धरती पर कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके पास समस्या ना हो, और पृथ्वी पर कोई ऐसी समस्या ना हो जिसका समाधान ना हो। बात भी सही है, लेकिन उस समस्या का समाधान करने वाला कोई ना कोई सलाहकार भी जरूर होता है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि आखिर सलाहकार है कौन। क्योंकि दुर्योधन के सलाहकार शकुनी थे और अर्जुन के सलाहकार श्री कृष्ण, इसलिए अगर हम सलाहकार चुनते हैं, परेशानियां हम सबके जीवन में हैं और हम सलाह भी लेते हैं, तो हम इस बात का जरूर ख्याल रखें कि हम सलाह ले किससे रहे हैं। तो चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत की मैंने एक अच्छे से संदेश से, और आपको बता दूं कि कार्यक्रम जब हम शुरुआत करते हैं, कार्यक्रम की जब शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले हम एक लेते हैं अच्छा सा विचार। आज मैंने जो विचार लिया है वो विचार मैंने श्री इंदिरा गांधी का लिया है। उन्होंने कहा है कि आगे की ओर बढ़ते हैं तो किसी ना किसी चीज़ में तब्दीली आना स्वाभाविक है। जाहिर सी बात है, अगर हम एक जगह पे स्टैग्नेंट हो जाएंगे, स्थिर हो जाएंगे, जाहिर सी बात है तो हम स्थिर हो जाएंगे। तब्दीलियां हो पाना स्वाभाविक नहीं है, संभव नहीं है, हम बढ़ते चलेंगे। कहते हैं ना कि ज़िंदगी का नाम बढ़ना ही है, आगे बढ़ना ही ज़िंदगी है। तो अगर हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तब्दीली तो ज़रूर आएगी हमारे ज़िंदगी में। इसलिए स्थिरता से बेहतर है कि हम अस्थिर रहें। अस्थिर का अर्थात यानी कि हमारे जीवन में वो जो तब्दीली है वो आती रहे और वो आनी भी चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको एक अच्छा सा विचार बताया, अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मुलाकात कराते हैं एक अच्छे से अपने मेहमान से, जो हमारे कार्यक्रम का सबसे बेहद ही ख़ास और अहम हिस्सा है। यानी कि हम हर रोज़ एक ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिन्होंने हमारे बिहार के लिए, अपने लिए, अपने परिवार के लिए कुछ ना कुछ किया है और बिहार का नाम रोशन किया है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में भी एक ऐसे ही युवा कलाकार मौजूद है। आपको बताना चाहूँगी, हमारे साथ फिल्म मेकर प्रांजल मौजूद हैं। प्रांजल, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बताना चाहूँगी प्रांजल के बारे में कि इन्होंने बहुत सारी ऐसे फिल्मों में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया है, इनका खुद का प्रोडक्शन हाउस भी है और कुछ ऐसी नामी फिल्में हैं, आपको बता दूँ, तनु वेत्समनु, दावते इश्क, डेढ़ इश्किया, बुलेट राजा में ये कहीं ना कहीं से या तो बतौर असिस्टेंट इन्वॉल्व रहे या किसी ना किसी रूप में इनकी इन्वॉल्वमेंट रही। तो बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी प्रांजल आपका हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। इतनी कम उम्र में और इतना सब कुछ कर पाना, ये सिर्फ मैं कह सकती हूँ कि एक युवा पैशन, कहते हैं ना कि यूथ के भीतर वो तमाम एनर्जी होती है अगर हम उसे सकारात्मक दिशा की ओर ले जाए तो। और बहुत खुशी की बात है कि हमारे बिहार, हमारे राज्य, हमारे ज़मीन के जो युवा हैं या भी जो भी यहाँ के लोग हैं वो बाहर जाकर इतना कुछ अच्छा कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगी, आप मुंबई में रहते हैं प्रांजल, आप पटना आए हैं तो क्या किसी खास मकसद से आए हैं, किसी खास वजह से? मकसद आपका? तो बहुत खास है, मतलब मैं अपनी शादी के लिए आया हूँ पटना। ओ वाह, मेरी शादी हो भी गई। अच्छा, तो 9th of February, तो द डे आई गेट मतलब मैरिड। ओके, तो बहुत बहुत बधाई आपको, हमारी पूरी बिहार बिहार की टीम की ओर से, तमाम दर्शकों की ओर से आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। अभी आप न्यूली मैरिड हैं। तो चलिए, पटना आने का मकसद फिलहाल आपका ये है कि आपकी शादी हुई, क्या आपका परिवार पटना में ही रहता जी, है? मेरे पापा मम्मी सबको ही, फैमिली सारे लोग पटना में ही जी। प्रांजल, इतनी सारी फिल्मों के बारे में आपने मुझे कल डिटेल्स भी भेजे, बहुत कुछ काम किया है और आपकी उम्र इतनी कम है, तो यही सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इतना सब कुछ कर पाना, ये आज आपने इसकी शुरुआत नहीं की होगी, कभी ना कभी इसकी शुरुआत हुई होगी, तो ये शुरुआत कब हुई इसके बारे में हमें ज़रूर बताएं। अब इसकी शुरुआत तो बचपन से ही हो चुकी थी मुझे। okay. बचपन में ही फोटोग्राफी का बहुत शौक था, कैमरा से मुझे बहुत प्यार रहा है, मतलब कैमरा तो वॉज माई फर्स्ट लव इन माई लाइफ। तो मैं हमेशा कैमरा को अपने पास रखता था, छोटा था कैमरा, यूज़ नहीं करने आता था, टूट जाता था किसी कारण। फिर धीरे 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 बड़ा हुआ, बहुत मुश्किलों के बाद जाके 7th-8th में एक रोल कैमरा मिला, वो भी मैं अपने बचाए हुए पैसे से खरीदा।
499 रुपीज़ का था। उसके बाद यानी धीरे आपने धीरे, अपनी पॉकेट मनी से आपने हाँ कैमरा खरीदा। एग्जैक्टली उसके बाद वो धीरे धीरे फिर आगे गया, डेवलप मतलब यू नो स्टेज बाय स्टेज ऊपर चढ़ता गया। उस समय के बाद 10th में जब फेयरवेल हो रहा था स्कूल में, तो उस समय मैंने फ़ोटोज़ तो क्लिक कर ली रोल खरीद के, रोल होते थे, लेकिन उसको डेवलप कैसे कराना उतना पैसा था नहीं। 3 रुपीज़ पोस्ट कार्ड साइज़ बनते थे, 106 रुपीज़ उसको क्लीन कराने के लगते थे, उस समय का रेट था, उतना था नहीं। और 10th में पापा बोलते थे पढ़ाई करो कि ये काम करो, तो फिर वो वहाँ पर शौक़ को छोड़ दिया। फिर ये शौक़ बहुत ज़्यादा जब जनरेट हुई जब मैं कॉलेज में गया, मतलब ग्रेजुएशन करने के लिए, IIT लखनऊ से मैंने ग्रेजुएशन किया है, तो फिर वहाँ पर इस चीज़ को मैंने खुल के जिया, वहाँ से फोटोग्राफी भी खुल के की और फिल्म मेकिंग भी वहाँ वहीं से शुरू की। 2010 में आपने IIT से आपने वहाँ पे अपना यस ग्रेजुएशन किया। और यस फिर और वहाँ कहते से हैं ना कि हौसलों को एक पंख मिल जाना। एग्जैक्टली कहते हैं कि आपकी जो ख्वाहिश थी आपको वहाँ बढ़ावा मिला। हाँ बढ़ावा मिला, जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं ना तो बहुत सारे लोग रहते हैं, आपकी फैमिली भी आपको सपोर्ट करती है कि आप कैसे कर रहे हैं कैसे नहीं कर रहे हैं, फिर लोग देखते हैं इनकरेज करते हैं, धीरे धीरे इनकरेजमेंट मिलता गया, आगे बढ़ते गया। हाँ मुश्किलें हर जगह आती, जैसे आपने इंदिरा गांधी का कुछ समय पहले शुरुआत में कहा, दैट वॉज़ वेरी गुड लाइन और बहुत ही अच्छी लाइन है, मुश्किलें आते हैं उसमें कैसे लड़ना है कैसे आगे बढ़ना है। और धीरे 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 यही चीज़ मुझे पैशन आगे लेता गया। सबसे पहला मैंने फिल्म किया था बुलेट राजा, वो भी एक बहुत मिस्ट्री इंसिडेंट था। मतलब बुलेट राजा की शूटिंग थी लखनऊ के एक हज़रतगंज चौराहे पर, तो वहाँ पर 9 बजे से शूट था, रवि किशन का शूट था, सैफ अली खान थे, बाइक से उनको जाना था, तो मैं 6 बजे पहुँच गया कैमरा लेके, तो वहाँ पर मैं फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा, तो तकरीबन सारे प्रेस के लोग आए 8:30-9 तक, तो गीतिका थी उसको लगा कि शायद ये प्रेस का है और ये फ़ोटो क्लिक कर रहा है, तो मैं सुबह 6 बजे से था, लेकिन मैं कंटिन्यूसली प्रेस 10 मिनट आई फिर चली गए, उसके बाद मैं कंटिन्यूसली 12-1 बजे तक फ़ोटोज़ क्लिक करने लगा। तो गीतिका को शायद वो गलत फहमी हुई कि नहीं ये प्रेस का नहीं, ये हमारी टीम में है, उसका नाम मैं नहीं जानती हूँ, तो वो मेरे कोऑर्डिनेटर को ढूंढने लगी कि फ़ोटोग्राफ़र कोऑर्डिनेटर कौन है इसके, तो कोई मिला नहीं कुछ नहीं, तो गीतिका बोली कि तुम जो भी फ़ोटोज़ क्लिक किए हो शाम को जमा करना और 2000 रुपये लेकर जाना। तो वहीं से शुरू हुआ एक मिसअंडरस्टैंडिंग में, तो मैंने फ़ोटोज़ क्लिक किया उसको दिया, उसने 2000 रुपये मुझे दिया, उसने बोला कि कल सुबह टाइम से 7 बजे आ जाना। तो फिर वहाँ से फिर ये चीज़ आगे चला गया, और ये तो मेरा पैशन था ही, पर इंट्री कैसे करना था, तो दिस वॉज माई इंट्री टू इंडस्ट्री। उसके बाद लिंक्स बनते गए, लोग के बारे में जानते गए, और धीरे 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 आगे करते तो इत्तफाकन आपकी एंट्री हुई। हाँ और फिर वो ये वही सिलसिला आगे बढ़ता गया। एग्जैक्टली एग्जैक्टली जाहिर है कि आप कुछ बेहतर करते हैं तो वो लोगों की नज़र में दिखता है। Exactly. और लोग उसे सराहते भी हैं। हाँ. और मौके भी मिलते हैं। तो चलिए इस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, ये जानना चाहूँगी कि आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया, उन फिल्मों के जो एक्सपीरियंसेस रहे उस पर भी मैं बात करूँगी, लेकिन अगर मैं ये जान लूँ प्रांजल कि आपका अभी फ्यूचर वर्तमान में आप करेंटली आप क्या कर रहे हैं, वर्तमान में आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, तो क्या चल रहा है? सी अभी तो मेरा खुद का एक प्रोडक्शन हाउस है, वनली प्रोडक्शन, तो इंडिया में हर तरीके से हर जगह में डील होता है, कोलकाता पटना दिल्ली गुड़गांव लखनऊ मुंबई, तो इनके प्रोजेक्ट्स रेगुलर चलते रहते हैं। पर इंडिविजुअल अगर फिल्म मेकिंग के तहत अगर मेरी बात की जाए तो मेरी एक बहुत ही अच्छी फिल्म आ रही है, बहुत सोशल फिल्म आती है, मैं सोशली बहुत ज़्यादा फिल्म बनाता हूँ, तो दैट फिल्म इज़ कॉल्ड हलाला अकर्ष, सब टाइटल इज़ इश्क का कत्ल करता तलाक। इट्स बेसिकली हलाला निकाह इज़ अ पनिशमेंट इन मुस्लिम, उसके ऊपर एक फिल्म है, बहुत ही प्यारी फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, सोशल मैसेज अच्छे तरीके से दी गई है कि इश्क बड़ा है या एक रिलीजन धर्म बड़ा है। चलिए प्रांजल आपने बताया कि आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस जी है, और अभी आप फिलहाल आपने फिल्म का जिक्र किया, फिल्म के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन ये आप बताएं कि प्रोडक्शन हाउस बनाने का जो ये फैसला था ये आपको क्यों लगा कि आपको खुद का एक प्रोडक्शन हाउस बनाना होगा? गुड क्वेश्चन। प्रोडक्शन हाउस बनाने का फैसला क्यों लगा, मैं शुरू से इनोवेटिव कुछ ना कुछ स्टार्ट करता था हमेशा। कॉलेज में भी मैंने जब फोटोग्राफी स्टार्ट की थी तो आई वाज द पर्सन की जो मैंने फोटोग्राफी स्टार्ट की, उसके बाद फोटोग्राफी क्लब हुए, बहुत सारे लोग उसमें आए, बहुत सारे, फिर उसके बाद मैंने एक चेंज लाया था, हर फ्राइडे को मैं फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन कराता था कॉलेज के अंदर ही, जिसमें जो भी लोग फ़ोटोज़ क्लिक करते थे उनके फ़ोटोज़ प्रिंट होते थे वहाँ पर लगते थे।
तो एक यू नो एक मैनेजमेंट के तहत एक मैंने बहुत सारी ये सब चीज़ ऐसे काम किया है। आई थॉट कि प्रोडक्शन वुड बी गुड स्टेप्स फॉर मी टू मूव इन दिस करियर फॉर प्रोफेशनल वर्क और इस तरीके से। फिर जब फिल्म्स में काम करने लगा एज बीन अ प्रोडक्शन, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आई, बदलाव हुआ, तो फिर यहाँ से मैंने शुरू कर दिया। और अभी आपने बताया, आपने अपने करंट प्रोजेक्ट के बारे में जिक्र किया कि आपकी फिल्म आ रही है हलाला इश्क, आपने बताया कि इश्क बड़ा या मजहब, ये क्या फिल्म है, इसके बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे? ये एक वाइफ हस्बैंड की फिल्म है और इसमें दोनों की लव मैरिज हुई रहती है। बहुत ज़्यादा ब्रीफ में नहीं जाएंगे, छोटा सा ही, मतलब दोनों का किसी कारण लड़का गुस्से में आके या किसी तरीके से लड़की को तलाक कह देता है, जिसका मतलब लड़के और लड़की दोनों को सज़ा भुगतना पड़ता है। तलाक हो गया, अब लड़की भी लड़के के साथ नहीं रह सकती है, लड़का भी लड़की के साथ नहीं रह सकता है गुस्से में आके। इसका पनिशमेंट क्या होगा, कैसे पनिशमेंट होता है, क्या क्या चीज़ कर सकते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड अ टर्म, इज़ कॉल्ड हलाला निकाह। हलाला निकाह करने के बाद ही आप वो लड़की दोबारा उससे शादी कर सकती है। तो दिस इज़ अ पनिशमेंट कि किसी तरीके से आप यू नो गलत काम, आप किसी को भी तलाक दे दिया या कुछ भी कह दिया, जब मन आया आपने छोड़ दिया, तो उसको आप पनिशमेंट तो आपको झेलना है ना। लेकिन कहीं ना कहीं पनिशमेंट झेलने के बाद भी इश्क सबसे ज़्यादा बड़ा है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशन बड़ा है, प्यार बड़ा है या मज़हब बड़ा है, क्वेश्चन ये है। तो दिस इज़ द फिल्म, इसके ऊपर ही है फिल्म। और सीधा सीधा मेरा क्वेश्चन सोसाइटी से है कि क्या बड़ा है, वाइफ हस्बैंड का रिलेशनशिप, प्यार या मज़हब? जाहिर सी बात है, सबसे बड़ा रिश्ता होता है वो इंसानियत का रिश्ता होता है, जी और जो हम जिन रिश्तों को हम खुद बनाते हैं वो रिश्ता हमें ताउम्र निभाना होता है। इसलिए मेरे ख्याल से तो शायद रिश्ते सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं, क्योंकि कोई कुछ भी काम नहीं देता, लेकिन जो रिश्ते आपने बनाए हैं वो आपके साथ ताउम्र रहता है और वही आपका साथ भी निभाता है आखिरी वक्त तक। अगर प्रांजल आपकी बात करें, अभी आपने जिक्र किया कि आप सोशल कॉजेज़ पर फिल्में बनाना पसंद करते हैं, तो सोशल कॉजेज़ पर फिल्में बनाने का क्या कोई ख़ास मकसद, मतलब खुद आपको ऐसा कभी आपने महसूस किया, कभी कोई ऐसी चीज़ आपने देखी हो जो आपको कहते ना क्लिक करती है और लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर आपको लगा कि नहीं अगर हम संवेदनशील फिल्में बनाएंगे सोशल कॉजेज़ पर तो व्यूअर्स अट्रैक्ट होगी, पसंद करेगी, लेकिन उसमें भी बहुत चैलेंजेस है, तो क्या आपको लगा? ट्रेनर, वेरी गुड क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का मैं बहुत अच्छे से जवाब भी दूंगा। यू नो आज के समय सोशल फिल्म्स बहुत लोग बनाना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं व्यूअर्स इसको देखे, सहानुभूति दे, प्रोत्साहित करे, पर मेरी सोशल फिल्म्स जो होती है, मैं कभी कंक्लूजन नहीं देता हूँ सोशल फिल्म्स। मेरी सोशल फिल्म्स ऑब्जर्वेशनल फिल्म्स होती है। ऑब्जर्वेशनल फिल्म्स वो होती है जो व्यूअर्स देख लेते हैं और व्यूअर्स के ऊपर होता है डिसाइड करे कि वेदर दिस इज़ अ गुड और दिस इज़ अ बैड। मेरी मैंने बहुत बहुत सारी फिल्में बनाई है। एक मैंने पटना डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो पूरे बिहार पटना को दर्शाती है। पटना के बारे में लोग बहुत, बिहार के बारे में अलग अलग प्रतिक्रिया रखते हैं, बहुत अच्छे भी रखते हैं, बहुत नॉर्मल भी रखते हैं अलग तरीके से। तो पटना क्या है, इसकी कल्चर क्या है, उसको मैंने इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया है। दूसरा, मैंने एक फिल्म बनाई थी उम्मीदें। 70 साल हो रहे हैं देश की आज़ादी को, लेकिन 70 साल के बाद भी आज देश में किन बातों पर ज़रूरत है और किस चीज़ को हमको आवश्यकता है इंसान को। उसके बाद मैंने कुछ फिल्में बनाई थी, ज़िंदगी एक लम्हा, जय हिंद, ज़िंदगी एक लम्हा बूढ़ों पर थी, वृद्ध ऐसे लोगों पर जो कि वृद्ध आश्रम में रहते हैं। उस फिल्म में सिर्फ ये दर्शाया गया था कि जो माँ बाप बच्चों जो बच्चे माँ बाप को निकाल देते हैं घर से या किसी पूर्वक, वो वृद्ध आश्रम में रहते हैं, तो किस तरीके से वो रहते हैं, वो वहाँ खुश हैं या दुखी हैं, तो बस उनकी करेंट सिनारियों को दिखाया गया था। तो मैं हमेशा ऐसी फिल्में बनाया हूँ जो ऑब्जर्वेशनल फिल्में होती है। और रही सवाल कि क्या ये फिल्म मैं व्यूअर्स के लिए बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा व्यूअर्स अट्रैक्ट कर सकूँ, ठीक है, दिस वुड बी माई सेकेंड चांस, पर पहला चीज़ मेरा मैसेज देना होता है। मैं बहुत ऐसी फिल्में बना रखा हूँ जिसमें व्यूअर्स बहुत कम है, पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आप किस तरीके से समाज में अपने आप को देखते हैं। यू नो सोशल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज हम लोग न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, कम से कम होता है, अपने से अपने मतलब है। जैसे कहते हैं ना कि यार वो तो मेरे बारे में पूछता है, ऐसे पूछता है, वैसे पूछता है, बॉम्बे में ऐसा नहीं होता है, मतलब बहुत न्यूक्लियर है लोग। तो आप जब तक सामाजिक नहीं रहेंगे, सोशल नहीं रहेंगे, समाज के बारे में नहीं जानेंगे, कहाँ बैठ रहे हैं, कहाँ उठ रहे हैं, तो
यू नो यू विल नॉट गेट फैमिलियर. तो मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ और मुझे सोशली चीज़ करना बहुत पसंद है. तो व्यूअर इज़ माई सेकेंड ऑप्शन. फर्स्ट वुड बी माई हम्बल टू सोशल थिंग्स. मैं बहुत ही सोशली अटैच्ड हूँ किसी भी चीज़ से. मैं रोड पे किसी पप्पी को भी देखता हूँ. या कल ही रात की बात है, मैं अपने घर के बाहर देख रहा था एक बूढ़ी औरत, शाम रात 10 से 11 बजे, एक अपार्टमेंट में गार्ड है, वो बर्तन धो रही थी. तो मैं सोचा कि यार मैं इतनी लाविश लाइफ जी रहा हूँ कि मेरे पास तो रहने के लिए घर है, छत है, पर देखो उसकी लाइफ ऐसी है कि शायद वो इतने रात के मतलब 11 बजे भी ठंडे पानी से बर्तन धो रही है. तो मैं उसको क्या दे सकता हूँ, मेरे से वो क्या ले सकती है, तो मैं वो चीज़ उसको देना चाहता हूँ. चलिए, कहीं ना कहीं क्या होता है कि हम वही करते हैं जो हम सोचते हैं, जो हमारे भीतर होता है उसका ही आउटपुट निकलता है. हाँ, रिफ्लेक्शन निकलता है. तो आपकी सोच है कि आप लोगों के प्रति हम्बल हैं और आपके भीतर वो दया भावना है, इसलिए कहीं ना कहीं आप अपने काम के ज़रिए ही वो दिखाने की कोशिश करते हैं. हमारी बातों का सिलसिला प्रांजल अभी तो शुरुआत हुई है, यूँ ही जारी रहेगा, लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जो लौटते हैं. वेलकम बैक. तो छोटे से अंतराल में हमने ये देखा कि मधुमेह के समय हमारा आहार कैसे होना चाहिए, ताकि हम अपने डाइट को कंट्रोल में रखकर, हम अपने आहार पर नियंत्रण रखकर हम किस तरीके से स्वस्थ रह सकते हैं, ये दिखाने की हमने कोशिश की इस छोटे से सेगमेंट में. चलिए, बातों के सिलसिले को यूं ही जारी रखते हैं और एक बार पुनः स्वागत करना चाहेंगे प्रांजल आपका हमारे शो में, हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में. बहुत बहुत स्वागत है आपका. तो हमने बात की आपकी फिल्मों के बारे में, आपकी जर्नी कैसे शुरुआत हुई उसके बारे में. आपने ये बताया अभी तक कि आप सोशल कॉजेस पर फिल्में बनाना पसंद करते हैं या फिर आपकी रुचि है, और कैमरा आपका पैशन भी है, आपके लिए आपका लगाव भी है, सब कुछ है आपके लिए, फर्स्ट लव है आपका कैमरा. ओके, चलिए, तो ये हमने बहुत सारी बातें की. अगर ये जानना चाहूँ कि आप एक खुद यूथ है और आप सोशल कॉजेज पे फिल्में बनाते हैं, तो यूथ के लिहाज से, ताकि यूथ का जो एक अभी वर्तमान समय में जो हमारे यूथ हैं, डेफिनेटली बहुत हद तक उनमें बहुत बदलाव हो रहा है, सकारात्मक सोच भी हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी देखने को मिलता है थोड़े से कहीं कहीं पे जाके नकारात्मक भी बहुत जल्द हो जा रहे हैं. तो आपने यूथ को लेकर के, यूथ को ध्यान में रखकर कभी कुछ बनाने की या करने की कोशिश की? बहुत सारी ऐसी सेगमेंट्स मैंने, कुछ सीरीज है मेरे, कुछ शोज हैं जो मैंने यूथ को लेकर बनाया है, जिसमें मोटिवेशंस उसको कैसे मिल सके, क्या वो अपने करियर को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं. या मैं हमेशा लोगों से रूबरू बहुत होता हूँ. बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि व्हाट शुड वी डू, यहाँ पर आके मुझे, मेरा ये पैशन है करना और मैं करना चाहता हूँ ऐसा, तो मैं कैसे करूँ. तो हाँ, कुछ शोज़ है जो मैंने यूथ को लेकर बनाया है, बहुत ज़्यादा नंबर्स में नहीं है, पर कुछ शोज़ हैं जो मैंने यूथ को मद्देनज़र रखते हुए बनाया है. यूथ को मद्देनज़र रखते हुए आपने कुछ फिल्में बनाई, क्योंकि आप खुद यूथ हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके ज़िंदगी में भी, अनुभव ऐसे रहे होंगे जिसको देखकर आपको लगा होगा कि जो आपने सीखा है या फिर जो आपने अनुभव किया है, अगर आप उसे दर्शा पाए तो बाकी के लोगों को उससे कहीं ना कहीं कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा. ऑब्वियसली बहुत फ़ायदा होगा. मैं यूथ से आज भी यही चीज़ कहना चाहूँगा, हमेशा कहते हैं वो डिसीज़न बहुत जल्दी लेते हैं, मतलब क्विक डिसीज़न होता है, वो पॉजिटिव वे निगेटिव वे नहीं सोचते. ये मैं भी पहले बहुत जल्दी रैपिड डिसीज़न लेता था किसी भी चीज़ को, नहीं कोई चीज़ अच्छा है तो फटाक से अच्छा कह दिया, कोई चीज़ बुरा है तो तुरंत बुरा कह दिया. हम लोगों को कोई भी सवाल, कोई भी चीज़ सिचुएशन आए, उसके एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए, उसका सही एस्पेक्ट्स क्या है और निगेटिव एस्पेक्ट्स क्या है, तब डिसीज़न लेना चाहिए. ये आगे जाना चाहूँगी कि अगर जो यूथ हैं वो भी अगर इस प्रोफेशन को चुनना चाहते हैं, हाँ, इसे बतौर करियर अपनाना चाहते हैं, हाँ, तो आप उन्हें क्या सजेशंस देंगे, क्या कहना अगर चाहेंगे? हाँ, थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. पर अगर यूथ, कोई भी इंसान इस करियर को आना चाहेगा, तो मैं बहुत लोगों से ऐसे मिलता हूँ, इंटरेक्ट करता हूँ, बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आते हैं जिसमें मुझे ये बोलता हूँ कि सर मुझे फिल्म करना है, मैं एक्ट्रेस हूँ या मैं एक्टर हूँ. तो मैं पूछता हूँ आपने का क्या किया है, तो मैं स्कूल में किया था एक्टिंग, मुझे आप एक्टिंग में ले लीजिए. पर सी क्या है, आप मेडिकल के लिए आप पढ़ाई करते हैं, तो आप 5 से 6 साल पढ़ाई करते हैं, तब जाके आप इंटर्नशिप करते हैं, फिर आप जूनियर डॉक्टर में सिलेक्शन होता है, तब आप डॉक्टर बनते हैं. सेम चीज़ लॉ में भी आप इतने साल पढ़ाई करते हैं, पर पूरे इंडिया में एक ऐसा एक्टिंग ही एक ऐसा, और ये जो एक फील्ड एक ऐसा है ना, जो रात में सोचा कि सुबह मुझे हीरो बनना है, आज रात में सोचा सुबह चलो किसी प्रोड्यूसर डायरेक्टर को बोलो या किसी को बोलो तो मैं हीरो बनने चले गए. जब तक आप
किसी चीज़ को सीखेंगे नहीं, ये एक तपस्या है। कई लोग 10 साल लगाते हैं सीखने में, कई लोग 12 साल लगाते हैं। जब तक आप सीखेंगे नहीं किसी चीज़ को, तब तक वो चीज़ पे आप पहुंच नहीं पाएंगे। कई लोग बोलते हैं ना कि मुझे एक्टिंग करना आता है, मेरे अंदर एक्टिंग है। एक्टिंग क्या होता है, थिएटर एक्टिंग क्या है, और ऑन कैमरा एक्टिंग क्या है, आप लाउड कितने हैं। थिएटर्स में ये होता है कि जो ऑडियंस फ्रंट में बैठा है, लास्ट में बैठा है, कनेक्ट होता है। आपको पता है एक्टिंग्स जो होती है, जो ये तीन जो चीज़ें होती है, बहुत अलग अलग होती है। हमेशा तीन चीज़ों को हमेशा लोगों को ध्यान रखना चाहिए। पहला मोड क्या होता है, थिएटर। दूसरा होता है सीरियल। तीसरा होता है फिल्म्स। थिएटर्स जो भी होते हैं वो एक्टर्स मीडियम होते हैं। कोई भी थिएटर्स में आप प्ले देखने जाओ, कभी भी, हमेशा प्ले तो लोगों को देखना चाहिए, पर प्ले के स्टोरी कोई समझे या ना समझे, पर किसी एक्टर का अगर डायलॉग, एक्सेंट, स्टाइल कोई बहुत अच्छा लग जाता है तो लोग तालियां बजाते हैं। सीरियल्स जो होते हैं वो राइटर्स मीडियम होते हैं। 20 मिनट का अगर मेरे पास FCT है, स्लॉट खाली है, तो 20 मिनट में मुझे 5 मिनट का ही अगर एपिसोड बनाना है तो कितने एंगल से लेंगे, क्या है स्क्रिप्ट राइटर वगैरह, वो मतलब राइटर्स मीडियम होते हैं। और फिल्म्स जो होते हैं वो डायरेक्टर्स मीडियम होते हैं। एक डायरेक्टर अपनी फिल्म को किस तरीके से दिखाना चाहता है, तो ये तीन चीज़ें को हमको याद समझना चाहिए। और दूसरी चीज़, अगर यूथ की बात की जाए या जो लोग इस लाइन में आना चाहते हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस लाइन को सीखे, समझे, जाने, और ये एक तपस्या है, इसको समझे कि क्या है ये फिल्म्स, एक्टिंग कैसे होती है, इसमें मेथड्स क्या है, उसके बाद आप अपने आप को करियर को इस चीज़ में डालें। ये नहीं कि कल रात में आपने सोचा कि फिल्म करना है, सुबह आ गए एक्टिंग करने के लिए। और जितना माइंड डाइवर्ट करेंगे, कभी जैसे कोई म्यूज़िक वीडियो कर लिया या कुछ वेब सीरीज़ कर लिया, वो आप अपने प्लेटफॉर्म से डाइवर्ट होते जाएंगे। फोकस रहे एक लाइफ में एक चीज़ पर, किसी भी चीज़ से फोकस रहे, 120% आपको रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा। यानी कि फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। लेकिन प्रांजल, आपसे जानना चाहूँगी, आपकी खुद की प्रोडक्शन हाउस है, आप फिल्म मेकिंग भी करते हैं और वीडियोज़ जो हैं, म्यूज़िक वीडियोज़ भी आपके लॉन्च हुए, और एक किसी जाने माने कॉन्सर्ट में उसका सिलेक्शन भी हुआ था, टैलेंट हंट, इंडियाज़ गॉट टैलेंट में उसका सिलेक्शन भी हुआ, चुनाव हुआ था शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ, जितना मैं जानती हूँ। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में, अब आप कैसे सब कुछ, इतना सब कुछ मैनेज करते हैं? देयर आर मेनी पीपल्स। अभी मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, ऑन रिकॉर्ड कैमरा मैंने नहीं कहा है, बट जितेश सिंह डीओ मिस्टर इंडिया 2017 रह चुके हैं, और उनको बतौर एक्टर पहली बार मैंने ही लॉन्च किया था 2014 में, रेज योर वॉइस, और 2017 के वो मिस्टर इंडिया रह चुके हैं, दिसंबर में उनका रिजल्ट आया। और दूसरी बात, अगर आप म्यूज़िक वीडियो की बात कर रहे हैं, तो दैट सॉन्ग इज़ अ भवरा, वो तृष्णा बैंड का है, मॉन्टी, मैक्स एंड तन्मय, इन लोग का एक बैंड था। तो उन लोगों का भी टोटल पीआर हैंडलिंग भी होती है, तो पीआर हैंडलिंग भी मैं करता हूँ, मेरी प्रोडक्शन हाउस करती है। तो देन दे गॉट सेलेक्टेड टू इंडियाज़ गॉट टैलेंट, उसके बाद वो फर्स्ट रनर अप रहे। तो दिस फील, दिस अच्छा लगता है। बहुत सारे ऐसे मेरे बहुत सारे एक्टर्स हैं जो मेरे से जुड़े रहे हैं और बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो इट मेक्स मी फील प्राउड। स्वाभाविक सी बात है, आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है और आप खुद सब कुछ, इतना सब कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में ये शायद ये बात रहती होगी कि कहीं ना कहीं आप उन्हें कोई ना कोई मौका दे, उन्हें मौका मिल सकता है आपके ज़रिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जो व्यूवर्स आपको देख रहे हैं, क्या वो ये उम्मीद रखें कि आप उनके लिए कुछ कर पाएंगे अगर उनमें काबिलियत है तो? मैम, मैं बिल्कुल उनके लिए कुछ कर पाऊँगा जब, अगर उनमें काबिलियत है। अगर नहीं भी काबिलियत है तो मैं, अगर उनमें सीखने की इच्छा है और वो सीखना चाहे, तो मैं 120% बोल सकता हूँ कि मैं उन्हें सिखाऊँगा। अगर वो सीखना नहीं चाहते हैं, कुछ लोग होते हैं कि फेम के लिए कर रहे हैं, मैं TV पर आ जाऊं, कुछ लोग होते हैं कि चलो यार किसी तरीके से काम हो जाए, मेरा काम है निकल जाए। लेकिन अगर आपको डेडिकेटेड है इस काम के लिए, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो मैं 100% सिखा सकता हूं। अगर आप नहीं सीखना चाहते तो मैं शायद ध्यान भी नहीं दूंगा, छोड़ दूंगा। ऐसे कई सारे मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में कर चुके हैं, अभि कश्यप है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, तो उन लोग भी आज तक मेरे से जुड़े हुए हैं, तो वो करना चाहते हैं इसलिए मैं उनके साथ हूँ, नहीं करना चाहेंगे तो फिर। बहुत से लोगों के साथ आपने काम किया है, और अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि अभी तक आपका सबसे सबसे अच्छा अच्छा वाला एक्सपीरियंस, जिसको कहते हैं बेस्ट एक्सपीरियंस रहा, वो
कौन सा वाकया था, कौन सा समय था जब आपको लगा कि ये वाला जो फेज है ये बेस्ट जा रहा है? यू नो, बेस्ट तो हर फेज होता है, जब मैं अपना काम करता हूँ ना तो बेस्ट हर फेज होता है। जब मैंने पहली बार काम लिया, किया, कैमरा उठाया, सबसे पहला मोमेंट कैमरा उठाया तो भी वो बेस्ट था। सेकेंड टाइम कुछ काम किया तो वो भी बेस्ट था। मतलब ईच डे व्हेन आई गेट टू लर्न, हर दिन कुछ ना कुछ जब सीखा और सीखने के साथ वो आगे बढ़ा, और तो वो मेरा बेस्ट था। मतलब एवरी डे इज़ माई बेस्ट डे, एवरी डे इज़ सो ब्यूटिफुल। हर प्रोजेक्ट्स में कुछ ना कुछ यादें हैं, कुछ खट्टी कुछ मीठी, बहुत प्यारी प्यारी यादें हैं, और बस उसको संभाल के रखा हुआ हूँ। और उन खट्टी मीठी कुछ यादों को आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? एक यादें हैं जब मैं बुलेट राजा की शूटिंग कर रहा था, मेरे से गलती हो गया था। यू नो, ऐसा नहीं कि मैंने डांट नहीं सुना है, तो गलती हो गया कि टाइम कोडिंग क्यू शीट पे लेना था, टाइम कोडिंग मैं नहीं ले पाया था, मतलब एक फ्रेम का डिफरेंस हो गया था। तो मुझे डायरेक्टर ने सरेआम, मतलब 150 लोगों के सामने डांटा था, और डांटा बहुत गंदे तरीके से था। तब सैफ अली खान बैठे हुए थे, सैफ अली खान केम एंड सेड कि ही इज़ वेरी यंग बॉय, और इसको अगर इतने लोगों के साथ डांटा जाएगा तो यू नो ये और नीचा चला जाएगा, इसको प्रोत्साहित करो और ये समझाओ कि चलो इससे अच्छा और कर सकते हो। तो मुझे सैफ अली खान से भी ये चीज़ सीखने को मिली कि किसी को डांट के नहीं, प्यार से अच्छे से काम किया कराया जा सकता है। बहुत अच्छी बात ये बताई कि अगर हम 10 लोगों के बीच में अगर हम किसी को, अपने एम्प्लॉई को या स्टाफ को या जो हमारे सहकर्मी हैं उन्हें हम अगर हम डांटते हैं तो बहुत से लोग ये सोचते हैं कि आप उनको डांट कर जलील कर दे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ना करके बेहतर है कि आप उसको अच्छे तरीके से समझाएं। Exactly. तो शायद वो आपके लिए और दिल से काम करेगा और अच्छे से काम करेगा और रिस्पेक्ट आपके लिए बहुत बढ़ जाएगा। दैट डे सैफ अली खान के लिए मेरे पास बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गया, उसके बाद तो मैं उनसे मिला नहीं, पर बहुत रिस्पेक्ट है। यू नो, एज बीइंग अ ह्यूमन बहुत रिस्पेक्ट है, तो दैट वाज अ गुड थिंग। यू नो, जब आपका बॉस, जब सबसे बड़ा बॉस आपको कुछ कहने लगता है तो छोटे मोटे और भी लोग चढ़ जाते हैं ऊपर में कि ये है वो है। तो उस दिन वैसा ही हुआ था, 150 लोग ऐसे ही चढ़ गए थे कि ऐसा लगा कि मैंने क्या कर दिया। तो फिर सैफ अली खान आए, तब उन्होंने कहा, तो फिर वो 150 लोग पलट गए, नहीं नहीं सर आप सही कह रहे हैं, ये कोई बात नहीं होता। तो दैट वाज आल्सो गुड मोमेंट। एवरी टाइम आई हैव डन वेरी, बहुत सारे मेमोरी है, बहुत सारे मोमेंट्स हैं। चलिए, तो बहुत सारे मोमेंट्स आपने जिए हैं और बहुत कुछ अभी देखना बाकी है। अभी तो कह सकते हैं कि शायद एक शुरुआत हुई है और एक खूबसूरत से शुरुआत हो चुकी है आपके निजी ज़िंदगी में कि आप अब फिलहाल यू आर नॉट अ बैचलर, एलिजिबल बैचलर, अभी आप फिलहाल शादी के बंधन में बंध चुके हैं। तो ये ज़रूर जानना चाहूँगी आपसे कि आपकी जिनसे शादी हुई है आप कुछ बताएं उनके बारे में हमारे व्यूवर्स को, और कैसे ये इत्तफाकन हुआ, ये भी इत्तफाकन हुआ या फिर ये सब कुछ प्लान था? दिस वॉज ऑल्सो वेरी इत्तफाकन ही रहा। ओके, तो अचानक मतलब शादी हो गई, मतलब अरेंज मैरिज है, दिस वॉज अ अरेंज मैरिज। माय वाइफ नेम इज़ डॉक्टर निशा और वो दिल्ली की रहने वाली है, शी इज़ ऑल्सो डाइटिशियन न्यूट्रिशियन, वो नेचुरोपैथी से डॉक्टर है। तो बस इत्तेफाक हुआ, घर पर रिश्ता आया, सबको समझ में आया, सब ने बोला शादी कर लो, तो मैं बोला ठीक है यार चलो ये भी काम है ख़त्म कर लो ये भी काम है खत्म कर लो, चलिए लेकिन ये काम खत्म करने वाला स्वीट, मतलब स्वीट है, शी इज वेरी स्वीट। ओके, चलिए वो भी शायद खुश हो रही है, जाहिर सी बात है अभी आपकी नई नई शादी हुई है, अभी के अभी ही वो वक्त होता है जितने स्वीट स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं वो एक कपल को या फिर एक पार्टनर को, अपने पार्टनर को देने का वक्त सही वक्त होता है। वैसे पूरी ज़िंदगी आपके पास पड़ी है, आप पूरी ज़िंदगी स्वीट स्वीट कॉम्प्लीमेंट्स अपने पार्टनर को दे सकते हैं। बहरहाल हमारी बहुत ही स्वीट स्वीट बातें चल रही है हमारे आज के खास मेहमान से। तो ये आपने बताया किस तरीके से वो आपकी ज़िंदगी में आई, तो ये आपकी ज़िंदगी में एक नया फेज़, नया बदलाव आया है। अगर ये आपसे जानना चाहो प्रांजल, कि आपने कहा कि आपकी फ़ैमिली पटना में रहती है और आप ख़ुद मुंबई में रहते हैं, आपने कभी नहीं सोचा कि पटना में आकर, अपने शहर में आकर यहाँ पर कुछ किया जाए, यहाँ के लोगों को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर आपने इतना कुछ सीख लिया है, क्या कुछ ऐसा मन में है कि कभी लौट कर आप वापस आ सकते हैं यहाँ पर? मैं पटना से बहुत ज़्यादा जुड़ा रहा हूँ क्योंकि मेरे पापा यहाँ पर है, मम्मी है, पूरी फैमिली है, बचपन यहाँ पे गुजरा है। ऑब्वियसली मैं लौट के पटना ही आना चाहूँगा, मैं कहीं भी रह लूँ, कुछ भी कर लूँ। आज मैं बॉम्बे में रहता हूँ, इट्स वेरी फास्ट लाइफ, सुबह उठ के फास्ट फास्ट जाना है, सब कुछ करना है। तो आई थॉट कि मतलब घर की लाइफ, पटना की लाइफ बहुत खूबसूरत है। पटना में मैंने बहुत सारी चीज़ करना चाहता हूँ। पहले तो अभी मेरा फ्यूचर, अभी कुछ समय का बाद प्लान ये है कि मैं एक फिल्म
प्रोडक्शंस अपनी पूरी इंस्टीट्यूट एक खोलूंगा, जहाँ पर सारे लोगों को फिल्म मेकिंग में क्या क्या चीज़ें होती है, मिसगाइड नहीं, बिल्कुल बहुत ही अच्छे तरीके से उनको सिखाऊंगा कि फिल्म मेकिंग क्या होता है, फिल्म मेकिंग में आप सीख क्या सकते हैं। ये मैं पटना को देना चाहता हूँ। आप पटना और को देना चाहते हैं, यानी कि जो लोग यहाँ पर हैं, जो इन चीज़ों में जिनका इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है, जो करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मूलभूत सुविधाएं जो है वो कम हैं, और जो तकनीकी सुविधाएं हैं वो भी नहीं उन्हें मिल पा रहा है, सही डायरेक्शंस नहीं मिल पा रहे, आप उस दिशा में काम करना चाहते हैं तो इसी पर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हमारी बातचीत यूँ ही जारी रहेगी, जल्द लौटते हैं। छोटे से ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे कार्यक्रम बिहार बिहार में। हम बात कर रहे हैं प्रांजल से, जो कि एक यूथ फिल्म मेकर हैं, और आपकी एक नई फिल्म अभी आने वाली है, इश्क हलाला हलाला अकर्ष। तो इस फिल्म के बारे में आपने बताया, ये नाम बहुत ही इंटरेस्टिंग लग रही है, और मेरे ख्याल से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ये फिल्म बहुत लोगों के दिलों को छू सकती है, क्योंकि ये विषय इतना संवेदनशील है, जिसपे कई पिछले कई महीनों से, कई साल से इस पर काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं, सामाजिक तौर पर भी और राजनीतिक तौर पर भी बहुत सारे मुद्दे उठे हैं। तो आपके लिए ये बनाना डेफिनेटली बहुत चैलेंजिंग रहा होगा इस फिल्म को। यस, इट्स वेरी चैलेंजिंग, पर मैं अधिकतर मैं जब फिल्म बनाता हूँ तो उस पर बहुत सारे रिसर्च करता हूँ। इस फिल्म पे मैंने बहुत साल रिसर्च किया, कई समय रिसर्च किया, तो फिल्म को मैंने देखा हर तरीके से। हलाला निकाह पर कभी कोई फिल्म नहीं बनी है, और ये होता क्या है और इस चीज़ के बारे में लोग जानते नहीं हैं, पॉजिटिव वे में भी नहीं, कुछ लोग अलग तरीके से जानते हैं। तो मैं कोई भी चीज़ को बहुत खूबसूरती से पेश करता हूँ और बहुत पॉजिटिविटी उसमें डालता हूँ। और ट्रिपल तलाक के ऊपर बहुत सारी पिक्चर बनी है, ट्रिपल तलाक से ऊपर है, ट्रिपल तलाक के बाद होता क्या है, लोग ट्रिपल तलाक तक जानते हैं कि ट्रिपल तलाक होता है, पर उसके ऊपर होता क्या है, इसकी मतलब लोग क्या होता है ना कि क्रीम चीज़ को जानते हैं, उसके अंडर की डेप्थ चीज़ को नहीं जानते। और मैं हमेशा ऐसी फिल्में बनाया हूँ जो डेप्थ को बहुत ज़्यादा बताती है, क्रीम तो सब जानते हैं। और बहरहाल अगर इस फिल्म में बात की जाए तो इस फिल्म में बहुत ही मशहूर एक्टर है, बहुत ही सालों से है, थिएटर एक्टर है, बंगाली फिल्म्स के एक्टर है, हेट स्टोरी में भी थे, जॉय सेन गुप्ता। तो ही इज़ वेरी टैलेंटेड एक्टर, बहुत कमाल के एक्टर है। मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया, और टू बी ऑनेस्ट वो इतने परफेक्ट है एक्टर, एक्टिंग में इतने परफेक्ट है कि उनको जब तक कोई चीज़ सही नहीं लगे, समझ में नहीं आए, तो वो उस चीज़ में करते नहीं है। और उनके साथ को कास्ट में है समीधा, जो कि पटना की रहने वाली है, मैं पटना के लोगों को थोड़ा प्रेफरेंस देता हूँ तो वो है। और को एक्टर और है, एक महबूब खान है, वो मौलवी का रोल कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कुछ एक्टर्स हैं, कुछ एक्टर्स के बारे में मैं आफ्टर फिल्म रिवील करूंगा रिलीज होने के बाद, तो वो ज्यादा एक इंटरेस्ट ये रहेगा। फिल्म आपकी कब रिलीज होने वाली है? ये फिल्म तो अब प्रोड्यूसर के ऊपर है कि कब रिलीज हो रही है। टेंटेटिवली ही ये मार्च में रिलीज होगी, अभी तक मार्च में रिलीज। कुछ सेंसर बोर्ड में थोड़ा सा इशू है जिसके कारण ये लगी पड़ी है, ऐसा कुछ गलत इशू नहीं है, टेक्निकल इशूज है, तुरंत ठीक हो जाएंगे। तो और इस फिल्म में मैं एक चीज़ कहूँगा, इसके एक सिंगर है आशीष जोसवा, बहुत ही कमाल गाते हैं, गोरखपुर के रहने वाले हैं, ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड सिंगर। मैं उनके साथ इससे पहले भी कई बार काम कर चुका हूँ, और मुझे वो इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है क्योंकि ऑनेस्टली अगर स्पीकिंग किया जाए तो वो फेम से ज़्यादा सिखाने में ज़्यादा रहते हैं। आशीष जी जो भी है, आशीष जोसवा, वो कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब आज वो एक प्राइवेट स्कूल के HOD है, म्यूज़िक के HOD है, तो वहाँ पर वो लोगों को पढ़ाते हैं, म्यूज़िक सिखाते हैं। उनको कभी बॉलीवुड नहीं जाना था, उनको बस इतना ही था कि जो खुदा ने, गॉड ने उनको विरासत में दिया है वो दूसरों को सिखा सके। तो दैट्स वाई वो बहुत ही कनेक्टिव, मतलब है मेरे से कनेक्टिंग बहुत है, एंड इज़ वेरी टैलेंटेड। उन्होंने बहुत सारे फिल्म्स में गाने गाए हैं, गॉस्पल ट्रैक्स गाए हैं, और मेरी फिल्म में कई बार पहले भी गा चुके हैं, और इस फिल्म में भी है वो। तो दैट ऑल्सो ब्रिंग अ वेरी गुड मेमोरी टू मी। तो चलिए, आपने कोशिश की है कि चुनिंदा लोगों को चुनकर आपने इस फिल्म में जगह दी है, और तब जाकर के ये रिजल्ट निकल कर आया है। इस फिल्म में कहीं भी फेम को ज़्यादा नहीं जगह दिया गया, मेरी फिल्म में सिर्फ टैलेंटेड लोग, जो भी टैलेंटेड एज इन जो करना चाहता है काम, वो है इस फिल्म में, जो कर सकते हैं, करना चाहता है, दैट इज दे आर ओनली द। ऐसा नहीं कि मैंने किसी बड़े स्टार कास्ट को रख के फिल्म बना लिया ताकि मेरी फिल्म बिक जाए,
और इफ़ यू हैव अ टैलेंट देन यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो चलिए आपकी ये फिल्म आई है हलाला अकर्ष, और इंतज़ार रहेगा एक ऐसे विषय पर जिस पर कई दिनों से बहुत सारी बातें चल रही हैं, और लोगों के बीच जब ये फिल्म बनकर आएगी तो ये दर्शक ही निश्चित करेंगे कि आखिर इस फिल्म को कितने स्टार्स दिए जाएं। तो उस वक्त का हम सभी को इंतज़ार रहेगा। अगर बात करें प्रांजल आपके आने वाले अगर प्रोजेक्ट के बारे में, फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के बारे में, तो आप क्या बताना चाहेंगे? मैं अभी एक फिल्म में लगा हुआ हूँ और ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। दिस इज़ वर्ल्ड, बहुत बड़ी ये फिल्म प्रोजेक्ट है, गेमिंग फिल्म। व्हाट इज़ गेमिंग फिल्म? मैं गेमिंग फिल्म वो फिल्म्स होती हैं, आज तक इस पर कभी किसी ने बात नहीं किया, कभी किसी ने जानते नहीं है गेमिंग फिल्म्स। गेमिंग फिल्म्स, सपोज आप कोई भी फिल्म देख रहे हैं, एक्स वाई जेड कोई भी एक फिल्म देख रहे हैं, उसमें एक्टर कोई भी बहुत मशहूर एक्टर है, आप उस एक्टर को देखना नहीं चाहते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं दूसरे एक्टर्स में विदाउट एनिमेशन। मतलब सपोज कि अगर वहाँ पर अभिषेक नाम का कोई एक्टर है, आपको अभिषेक नहीं देखना है, रोहित देखना है, तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं अभिषेक टू रोहित विदाउट एनी एनिमेशन और किसी चीज़ में। ये कैसे होगा? इट्स अ हेल्प ऑफ अ सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के थ्रू हो सकता है, जहाँ पर आपने कई बार एंड्रॉयड मोबाइल्स में या प्ले स्टेशन पर घर पर प्लेयर सेलेक्ट करते हैं, प्लेयर ए या प्लेयर बी के साथ गेम खेलना, वैसे ही आप अपने मुताबिक ये कर सकते हैं। इस फिल्म में एक्टर्स बेस्ड फिल्म होगी, सिर्फ एक्टर्स के कैरेक्टर को शूट किया जाएगा कि उनकी गेटअप कैसा है, लुक्स कैसा है, कैसा चलते हैं, कैसा क्या करते हैं, बाकी ये सारी फिल्म्स वीडियो गेम्स के एक सॉफ्टवेयर पे ही बनेगी। और तो बिल्कुल ये भी सारी चीज़ें आपके दिमाग में कैसे आई, आपको क्यों लगा कि ये आपको करना चाहिए और ये चीज़ ज़्यादा इम्पैक्ट अब डालेगी? ये मुझे क्यों लगा, बिकॉज यू नो हम जब कपड़े लेने जाते हैं तो एक वाइट शर्ट होता है, मैं 10 ब्रांड घूमता हूँ, 10 ब्रांड सेलेक्ट करता हूँ कि नहीं इसका वाइट शर्ट लूँ या इसमें वाइट शर्ट लूँ। तो जब मेरे पास वाइट शर्ट लेने में इतने सारे सेलेक्टिव ब्रांड्स हैं, फिल्म्स देखने में मेरे पास सिर्फ एक ही चीज़ क्यों? सपोज़ कि कोई भी एक फ्राइडे को फिल्म रिलीज़ हुई, मैं वही फिल्म देखने जाऊँ उसी एक्टर के साथ, जब मुझे वो पसंद नहीं है, मैं सेम स्टोरी दूसरे एक्टर के साथ क्यों नहीं देख सकता? क्या बात है, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग, इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। और जो हमारे व्यूवर्स हैं, जाहिर सी बात है उन्हें भी ये उतना ही दिलचस्प लग रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कि ये आपने अभी सोचा है और ये चीज़ें, ये सोचा नहीं, इस पे बहुत सारी काम चल रही है, बहुत सारे इसमें कुछ ऐसे गेमिंग कंपनीज हैं जिसमें जिन्होंने हाथ डाल दिया है, और बहुत बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं इसमें लगे हुए हैं। ये फिल्म, जैसे आपने रावण फिल्म देखी होगी शाहरुख खान की, जिसमें उसने गेटअप की स्केलेटन को शूट कर रहा था, जैसे कि इसमें मैं हूँ, तो मेरा बॉडी लैंग्वेज क्या है, मैं किस तरीके से हाथ हिलाता हूँ, मैं कैसे बात करता हूँ, मैं फंबल कहाँ करता हूँ, आँख कहाँ हिलाता हूँ, टर्न को कैसे करता हूँ, तो ये सारी चीज़ें को डेटा एंट्री वो डेटा सॉफ्टवेयर बना लेगा। ऐसे ऐसे सारे एक्टर्स के डेटा एंट्री मैं सॉफ्टवेयर बना लूँगा, उसके बाद उसके एक रेप्लिका इमेज बन जाएगी, सेम इमेज को मैं किसी भी एक्टर्स के साथ वर्चुअली फिल्म में चेंज कर सकता हूँ। गेम्स में भी यही होते हैं, गेम्स में आप लेवल्स होते हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 स्टोरीज होती है, सेम चीज़ फिल्म में भी होगा, आप जैसे ऐसे 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 पार करते जाएंगे आपके पास लेवल्स ऊपर चलते जाएंगे और स्टोरी सेम रहेगी, जो भी राइटर्स जो भी डायरेक्टर जो स्टोरी को बनाएंगे सेम स्टोरी रहेगी, एंड भी सेम रहेगा, पर आप अपने मुताबिक तो देख सकते हैं ना, आप कैरेक्टर्स चेंज करने के एग्जैक्टली लिए। और आप हर चीज़ अपने मुताबिक करते हैं, इंसान खाते भी अपने मुताबिक है, उनको क्या खाना है, क्या फिल्म में मैं दूसरे के मुताबिक क्यों देखूँ, मतलब वाई कोई मुझे उनके पसंद से मुझे क्यों फिल्म दिखाए जो उनको पसंद है, मैं अपने पसंद से क्यों नहीं फिल्म देखूं? चलिए फिल्में भी आप अपनी पसंद की देखिए, अभी तक तो यही बात होती थी अगर थिएटर में कोई फिल्म लगी है या फिर कोई फिल्म आई है रिलीज हुई है, आप अगर देखना चाहते हैं तो देखने जाएं, लेकिन अब ऐसा है कि अगर आपके आपके पसंद के आपके चहेते अभिनेता या अभिनेत्री या कास्ट नहीं है तभी भी आप जा सकते हैं और उसे आप अपने मन मुताबिक बना सकते हैं। तो चलिए ये नई चीज़ देखने को सुनने को मिल रही है और देखने को भी मिलेगी कुछ समय के बाद। प्रांचल ये जानना चाहेंगे आपसे कि बहुत सारी फिल्मों का आपने जिक्र किया और आपने बताया कि आप इतने लोगों को के साथ आपने काम किया है, अगर पूछूँ कि आपके चहेते फेवरेट कौन हैं एज अ फिल्म मेकर या फिर एज एन एक्टर, तो आप किनका नाम लेना चाहेंगे, आप किनको देखकर आपको लगता है कि मैं अगर नाम लूँ तो मैं उनका कान पकड़ता हूँ। सत्यजीत रे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और अगर आज के समय बात किया जाए तो मैं जिन जिन डायरेक्टर को देखकर बहुत सारी चीज़ें सीखा हूँ, रूल्स सीखा हूँ, मतलब क्या चीज़ होता है वो फिल्म में कैसे आए, वो अनुराग कश्यप थे।
अनुराग कश्यप फिल्म मेकर नहीं रहते तो वो एक साइंटिस्ट रहते, गोरखपुर के वो रहने वाले हैं। 90s में वो बॉम्बे गए, पृथ्वी थिएटर के पास वो चाय बेचते थे। मतलब ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के, वो सीखना था थिएटर में, उनको जाना था। अभी मैंने कुछ देर पहले कहा कि उनको सीखना था, जो इंसान सीखना चाहेगा वही कर सकता है, उनको वो चीज़ सीखना था, इसलिए वो थिएटर्स के बाहर वो चाय बेचते थे ताकि एक्टर्स से रेगुलरली मिल सके। तो मैं अनुराग कश्यप को अपना गुरु मानता हूँ, आइडल मानता हूँ, और उनसे बहुत चीज़ें सीखने को मिलती। जिस तरीके से वो काम करते, सेम तरीके से छोटे तरीके से मैं करता हूँ। वो तो काफ़ी बड़े हैं, मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँगा, गुरु हूँ मैं, उनको गुरु ही मानता हूँ। तो ऐसी चीज़ें हैं कि उन तक तो नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा कम कोशिश करता हूँ कि उन तक उन तरीके से फिल्म बना सकूँ और बहुत ही रियलिटी बना सकूँ फिल्म में। चलिए, क्या कभी आपके इतने समय में, आप जब से फिल्म मेकिंग से जुड़े हैं या फिर इंडस्ट्री में आए हैं, कभी एक मिनट के लिए भी आपके दिमाग में ये आया कि मैं भी एक्टिंग कर सकता हूँ, मैं भी बतौर एक्टर पर्दे पर आ सकता हूँ? नहीं, मेरे दिमाग पे नहीं आया, पर कई सीन में मैंने एक्टिंग की है। क्या होता था कि बजट नहीं होता था फिल्म में, किसी एक्टर को लाना है, अब वो एक्टर आने में और करने में एक तो टाइम लगाएगा, ऊपर से पैसा भी लेगा। चलो छोड़ो यार, अपना करके हटा दो। तो दिस इज द थिंग कि मैंने बजट बचाने के लिए एक्टिंग कई बार की है। लेकिन कभी ये करते करते आपको ऐसा नहीं लगा कि आप भी एक एक्टर के रूप में उभर सकते हैं, बतौर एक्टर भी लोगों के सामने आ सकते हैं? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन एक्टिंग। मतलब कभी ऑन स्क्रीन आने का मज़ा ही नहीं है। जो ऑफ स्क्रीन में जो मज़ा है, जो टेक्निकल चीज़ में मज़ा है, जैसे आपके स्टूडियो में जो मज़ा है, मुझे ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, ऑन स्क्रीन में मज़ा नहीं आता लेकिन अभी हम ऑन स्क्रीन आ रहे हैं और आपको है। बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं, करोड़ों दर्शक हैं, वो आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे थैंक हैं। चलिए, कि हमने बातें की आपके फिल्म के बारे में, आपके यू। शुरुआत, मतलब कैमरा, फिल्म, एक्शन, यही आपकी ज़िंदगी है और अभी फ़िलहाल आपकी ज़िंदगी में एक बहुत खूबसूरत सी तब्दीली हुई है। अगर बतौर, अगर इसके इतर अगर जानना चाहूँ प्रांजल, कि आपको ऐसे क्या करना पसंद है, आप जब इन चीज़ों से थोड़ा भी वक्त निकालना चाहते हैं खुद के लिए, तो आप उस वक्त में क्या करते हैं? अगर सी मैं कभी, मुझे इस चीज़ से वक्त मिला ही नहीं, मतलब निकला ही नहीं। मैं अगर अकेला हूँ, मतलब अगर मैं 2 दिन की भी छुट्टी पे हूँ, तो मैं, मेरे हाथ मेरा कैमरा होता है और जो भी मेरे आसपास जो भी चीज़ आ रही है, मैं उसके कैप्चर करता हूँ, फोटोज़ क्लिक करता हूँ। कई बार ऐसी रात में ऐसे ऐसे समय होता है जहाँ पर मैं लिखता हूँ। बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो लिख के रखा हुआ हूँ, कभी अपनी फिल्म में यूज़ करूँगा, या कुछ ऐसी पोएट्री है, या कुछ ऐसे सीन्स है, कुछ ऐसी फिल्म है, कुछ ऐसे स्क्रिप्ट्स है जो मैं अक्सर लिखा करता कुछ हूँ। सुनाना चाहेंगे आप? आपने कहा कि आप अरे पोइट्रीज भी नहीं, करते हैं, नॉट लिखते बीइंग हैं। मतलब दैट विल बी अ कॉपीराइट इशू ना, तो दैट विल आई रिलीज ऑन माय फिल्म, तो वो फिल्म्स के ओके लिए है। ये दूर की सोच है। चलिए, अगर आपने बताया कि आप जो फिल्में बनाते हैं अक्सर वो हाँ। सोशल कॉजेस पर होती हैं वो फिल्में, तो अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि कौन कौन से ऐसे सोशल कॉजेस अभी फ़िलहाल आपको ऐसे लगते हैं कि जिन पर काम किया जाना चाहिए, जिन पर काम नहीं हुआ है और ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की, तो क्या कहेंगे आप? ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे मुझे एक फिल्म बनानी है अभी, कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता कहाँ से है। अब मैं ऐसा नहीं कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे गलत फिल्में बनाऊंगा, कि मैं दिखा रहा हूँ बच्चे लाचार हैं और उसके बाद उसको काम कराया जा रहा है। नहीं, उन बच्चों से काम कौन करा रहा है, उनको मोटिवेट कौन कर रहा है निगेटिव वे में कि तुम जाओ पैसे लेकर आओ। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती, मैं ऐसा नहीं होता कि मैं मिडिल में गया, मिडिल में शूट कर लिया और उसको दिखा लिया। उस फिल्म की पर्टिकुलर शुरुआत कहाँ से है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू कहाँ से है, एंड कहाँ से हो रहा है, क्या उसमें सारी चीज़ें हैं। प्लस मैं कुछ ऐसी फिल्में हैं जो मैं जानवरों के ऊपर बहुत बनाना चाहूँगा, कि पेट्स एनिमल सो है यू या आर अ एनिमल लवर? आप क्या खुद एनिमल लवर हैं, पेट लवर हैं? आई एम हैविंग डॉग ऑल्सो, सो ठीक है, मुझे पसंद है, बहुत बहुत पसंद है। आई एम हैविंग पेट्स एट माई होम ऑल्सो। ओके, मुझे दूर से देखना पसंद है, पास आने पे मुझे डर लगता है। चलिए, जोक सपाट, और मैं ये जानना चाहूँगी, आपने बताया कि आप ऐसे फिल्मों, ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे ये बहुत बड़ा इशू है, इसमें सिर्फ बच्चे, चाइल्ड लेबर ही नहीं आते, हाँ बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जो बिल्कुल भी गलत है और हो रही है ऐसी चीज़ें, हाँ
हमारे देश से बाहर किस तरीके से लड़कियों को, बच्चों को, महिलाओं को, पुरुषों को भी उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, तो ये एक बहुत ही गंभीर इशू है और जिस पे वाकई में काम होना बहुत ज़रूरी है और लोगों में अवेयरनेस, और आपकी अगर फिल्म आती है तो मेरे ख्याल से लगता है कि लोगों में कम से कम अवेयरनेस तो आएगी, या इस पर अगर काम किया जाता है तो लोगों में अवेयरनेस तो आएगी। एग्जैक्टली और मैं ऐसी फिल्में इसलिए बनाऊंगा कि ताकि लोग एग्जैक्ट सिचुएशन समझे, एग्जैक्ट फील समझे। मैं इसके बाद एक फिल्म और बनाना चाहूँगा, ये भी मेरे जहन में है। देश इतना प्यारा है मेरा, भारत इतना खूबसूरत देश है, पर आज भी इसमें मजहब के नाम पर या किसी चीज़ के नाम पर कभी कभी कुछ बातें हो जाती है। मैं एक बहुत ही आपस में, जो कोई भी है, हिंदू है, सिख है, पंजाबी है, मुस्लिम है या क्रिश्चन है, उनकी एक पॉजिटिविटी क्या है और कितनी बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, उस पर भी एक फिल्म बनाना चाहूँगा। चलिए, आपको आपके आपने जो भी सोचा है कि जिन भी सामाजिक मुद्दों पर आप काम करना चाहते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी और साथ ही साथ आपको ये भी बधाई देना चाहूँगी जो आपकी अपकमिंग फिल्म आने वाली है उसके लिए भी आपको बहुत सारी बेस्ट विशेस कहना चाहूँगी। और प्रांजल, आप हमारे शो में आए, हमारे कार्यक्रम में आए, सुबह के वक्त अपना अपना वक्त दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।